ज्वालामुखी में स्वच्छता को ग्रहण लगता जा रहा है। ऐसा ही मामला ज्वालामुखी मंदिर मार्ग पर सामने आया, जिसमें एडीबी द्वारा करोड़ों की लागत की कनोपी बनाने का कार्य किया जा रहा है। इसी के साथ रास्ते के साथ साथ बारिश व गंदे पानी की निकासी के लिए नालियां भी बनाई जा रही हैं, जिसमें नियमों को ताक में रखकर पानी की पाइपें भी इस निकासी नालियों में ही दबाई जा रही हैं, जो कि सरासर गलत है। पानी की पाइपों के ऊपर ही निकासी नाली का निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिस वजह से निकासी नाली आने वाले समय में अवरुद्ध हो सकती है और पानी के पाइप भी जाम होने की स्थिति में रिपेयर नहीं की जा सकती है। निकास नालियां बनाने वालों को आईपीएस विभाग से मिलकर इस समस्या का समाधान करना चाहिए था। दुकानदारों ने मांग की है कि पानी की पाइपों से दूर नाली बनाई जाए या कोई हल निकाला जाए, ताकि आने वाले समय में किसी को कोई परेशानी ना हो। इस बारे में एसडीएम ज्वालामुखी अंकुश शर्मा से बात की गई तो उन्होंने कहा कि उनके ध्यानार्थ मामला आया है, जल्द ही बैठक कर एडीबी को नियमानुसार कार्य करने की हिदायत दी जाएगी। सर, ये जो कनोपी का काम चल रहा है मंदिर मार्ग पर, पहले तो ये बड़ी धीमी गति से चल रहा है, तो उसके बारे में थोड़ा बताएंगे आप? अभी जी मामला मेरे ध्यान में नहीं है, अब आप इसको मेरे ध्यान में लाए हो तो मैं जो एग्जीक्यूटिव एजेंसी है मोस्ट ऑनली वो है एडीबी, उनसे मैं इसके बारे में परसों चर्चा करता हूँ। सर, ये जो पानी की निकास, जो गंदे पानी की निकासी के लिए जो बन रही हैं नालियाँ, तो वो भी प्रॉपर तरीके से नहीं बन रही हैं, उसमें भी कुछ पानी पीने की पाइपें भी बीच में दबाई गई हैं, तो उसके बारे में किस तरह से? ये भी एक्चुअली मेरे ध्यान में नहीं है, बट मैं देखता हूँ उस पर एडीबी और आईपीएच वालों से बात की करता हूँ। और ये तो बात आपकी जायज़ है कि अगर ऐसा हो रहा है कि ड्रेन के अंदर हमारी आईपीएच की पाइप है तो गलत है, तो आईपीएच अथॉरिटी और एडीबी वालों से बात की जाएगी इसके विषय में। हिमाचल एक्सप्रेस के लिए ज्वालामुखी से पंकज सोनी की रिपोर्ट।